अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो हम जो मुरक्कब बनाते हैं, जो मैं बताया ताकत का जो नुस्खा मैंने डाला हुआ है ताकत के लिए, उसमें जो सत्र डलता है, जो आफ्ताबी एक्सट्रैक्ट आफ्ताबी यानी कि जो सूरज में सुखाना पड़ता है सूरज की धूप में, वो हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। आप पूछते हैं कि ये कैसे बनता है, इसका जो सत निकल के वो कैसे बनता है, वो आपको दिखाएंगे। इसका जो है मिक्सी में रस निकालेंगे, रस निकाल करके फिर वो आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे इसको धूप में सुखाना है, ठीक है जी। देखिए, अब हमने जो है ये लहसुन का और प्याज का जो है वो रस निकाल लिया है। अब इसको हमने मुकत्तर करना है, पहले इसको छानना है, ठीक है ना। ये जो गाद वगैरह सब इसकी अलग हो जाएगी, बाकी इसका जो रस है वही हमें लेना है। इसको फिर हम जो है धूप में खुशक करेंगे, यानी कि आफ्ताबी एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट लहसुन आफ्ताबी, एक्सट्रैक्ट प्याज आफ्ताबी, ठीक है ना। जो हम जो दवाई में डालते हैं वो ये है, ठीक है ना, इस तरीके से तैयार करना। अब वो ये कैसे धूप में सुखाना वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको पहले मुकत्तर कर लेना, इसकी गाद अलग हो जाएगी, इसका सिर्फ रस हमें लेकर के धूप में खुशक करना है, ठीक है ना। देखिए, ये जो है ये एक्सट्रैक्ट लहसुन एक्सट्रैक्ट प्याज आफ्ताबी, ये हमने ये पहले से करके रखा हुआ है, इसमें डालने देंगे, ये ऐसा होता है, ठीक है ना जी। देखिए, ये हमारा ये तैयार हो चुका है एक्सट्रैक्ट लहसुन आफ्ताबी, ये भी एक्सट्रैक्ट लहसुन आफ्ताबी, यानी कि इसमें प्याज और लहसुन दोनों का मिक्सचर है, एक्सट्रैक्ट लहसुन प्याज आफ्ताबी, यानी कि हमने इसको धूप में खुशक किया है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये इस तरह की वीडियो, ये एक्सट्रैक्ट जो लहसुन का है और प्याज का है, ये आपने पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं डाला होगा लहसुन का और प्याज का एक्सट्रैक्ट, जो कि हम आफ्ताबी बनाते हैं, जो कि हमारी जो एक फॉर्मूला है हमने पहले से डाला हुआ है। अगर कहो तो मैं जो है लिंक डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, जो कि मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें हम ये एक्सट्रैक्ट डालते हैं, इससे इसकी ताकत बढ़ जाती है, जो कि देसी व्याग्रा के नाम से है। आप एलोपैथिक जो व्याग्रा खाते हैं ना, उसका उससे भी कहीं ज़्यादा पावर है उसकी, इतना ज़बरदस्त है वो, यानी कि उसको रेगुलर भी ले सकते हैं और वक्ती भी ले सकते हैं। अगर शादी से एक महीना पहले वो नुस्खा आप इस्तेमाल कर लेना, तो वो रिजल्ट आएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उस नुस्खे में हम यही डालते हैं एक्सट्रैक्ट, जो कि लहसुन और प्याज का एक्सट्रैक्ट है आफ्ताबी। देखिए, ये हमारा तैयार हो गया, हमने क्योंकि ये मई जून का महीने में और बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि धूप इस टाइम जो है बहुत तेज़ी से है। देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए वाह जी वाह, क्या लाजवाब चीज़ तैयार हुई। देखिए, हम ये डालते हैं इसमें, ये पहले कभी किसी ने नहीं डाला, ये शायद अब इसके बाद कोई डाल दे इसके अलावा। देखिए, ये चौड़े बर्तन में इसको फलाना है। मैं फिर इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, आपने क्या करना है, वैसे मैंने बताया आपको, आपने क्या करना है, जैसे आपने एक किलो प्याज लिए है और एक किलो आपने लहसुन ली, उसको प्याज को छील करके साफ करके आपने जो है ग्रेंड उसमें जूसर में डाल करके इसका रस निकाल देना है। रस को आपने कुछ देर के लिए रख देना, ताकि इसकी जो गाद है नीचे बैठ जाए और ऊपर का जो पानी वो उसको छान ले। इसमें गाद नहीं डालनी आपने, ठीक है ना। इसकी पावर दोस्तों थोड़ा तेज़ असर होता है ये, ठीक है ना। आप डायरेक्ट रस डालेंगे उसकी और बात है, ख़राब होने का भी डर रहता है। ये एक्सट्रैक्ट है, ये इतना ज़बरदस्त है कि इसकी कोई जवाब नहीं, इसकी ताकत भी कई गुना ज़्यादा है, और ये कम मिकदार में डलता है, यानी कि ये बहुत कम मिकदार में डलता है। देखिए कितना बेहतरीन है, वाह जी वाह, क्या अल्लाह जवाब चीज़ तैयार हुई है। देखिए, दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये हमने कल धूप में रखा था, ये पूरे दिन धूप में रखा रहा और कुछ देर अब भी रखा है, तो ये तैयार हो चुका है, इसको थोड़ी देर और धूप में रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने जो मेरा जो फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है पहले यूट्यूब पे, वो मैं लिंक जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। जो मर्दाना ताकत का तूफानी नुस्खा है, उसमें यही वाला जो है एक्सट्रैक्ट डलता है, ये आपने ज़रूर डालना है। तो इस तरीके से आपने बनाना है, और इसको आप मई जून के महीने में जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, इसमें तैयार हो जाता है आसानी के साथ, बना कर रख ले फिर भी काम आ जाता है बाद में। इसको अच्छे से सुखाना है, इसमें पानी ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। खूब अच्छे से इसको सुखा करके फिर आपने काम में लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा चिपक जाए, उतर नहीं रहा, तो कुछ देर धूप में रख करके इसको आप थोड़ा गर्म गर्म ही उतार सकते हैं,
ठीक है ना। जैसे आपने मिसाल के तौर पर ये अब बना कर रखा है और आप चाह रहे हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा सूख गया है और एक महीने बाद इसको उतार रहे हैं, तो उसको कुछ देर धूप में रखते थोड़ा नरम पड़ जाए, तो फिर आप चम्मच से खुरच लें, ठीक है ना। ये हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमने और तैयार करना है क्योंकि अभी गर्मी का सीजन मौसम है, तेज़ धूप है, तो इसमें आसानी के साथ ये खुशक हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त, इसके और अलग से भी फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगा फिर कभी आपको इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है ये। पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपने उस नुस्खे में जो नुस्खा मैंने डाला हुआ है उस नुस्खे में इस तरीके से आपने इसको बनाकर डालना है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, प्याज का अलग बना ले, लहसुन का अलग बना ले, आप चाहे तो एक जगह मिलाकर भी सुखा सकते हैं। एक किलो प्याज एक किलो लहसुन में जितना भी निकले, चाहे वो कम ज़्यादा निकले, दोनों को मिक्स कर सकते हैं या अलग अलग आप जो है निकाल सकते हैं, सुखा सकते हैं। मैंने तो इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे दवाई में डालने के लिए तैयार करा है, तो इस तरीके से अभी इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तरीके से सुखा करके इसको उतार ले, ठीक है ना। फिर बाद में कुछ देर धूप में और रख दें ताकि और टाइट हो जाए, इसमें बिल नमी ना रहे, ठीक है ना। देखिए इतने जो है ना, इतने प्याज इतने लहसुन में से ये निकला है, देखिए कुछ तो ये है और कुछ ये है, मतलब इतनी मतलब मेहनत के बाद लागत के बाद ये निकला है, लेकिन चीज़ ऐसी लाजवाब है जिसके कोई जवाब नहीं, बहुत शानदार चीज़ है जी। इसको जो है ना सत भी बोलते हैं, जैसे सत प्याज आफ्ताबी, सत लहसुन आफ्ताबी, ठीक है ना। सत जो बनाने का और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो आफ्ताबी है ना ये बहुत शानदार तरीका है, ठीक है ना। सत भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, बाकी आम भाषा में सत बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के दो नाम हैं इसके, ठीक है।